प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मात्र 50 ग्राम फिटकड़ी से आप कर सकते हैं अपने घर के सारे वास्तु दोष खत्म। आप आए दिन सुनते हैं, बातचीत करते हैं या नया मकान बनवाते हैं, तब हम बातचीत करते हैं कि यहाँ वास्तु दोष लगा है, ये चीज़ सही नहीं बनी है, बाथरूम सही नहीं है, टॉयलेट सही नहीं है, किचन सही नहीं है, बेडरूम सही नहीं है। परंतु इन सब का एक सटीक और सीधा सरल उपाय है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर फिटकड़ी का उपयोग करते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर फिटकड़ी का उपयोग आप कर लेते हैं उस तरीके से जहां पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, तो जितने भी आपके घर के जो वास्तु दोष हैं वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और जितने भी वास्तु दोष लगे हैं और उनको लेकर जितनी भी परेशानियाँ आपके घर में आती हैं, जैसे विवाह नहीं होना या फिर कहने का मतलब आकस्मिक या फिर मौत का होना, परेशानी होना, लड़ाई झगड़े होना, ग्रह क्लेश बढ़ना, किसी शुभ मंगल कार्य का नहीं होना वगैरह वगैरह वगैरह, घर में बहुत सी दिक्कतें परेशानियां चलती हैं, तो उन सभी से आप निजात पा सकते हो। मित्रों, मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि लोग जब अपना घर या ऑफिस बनाते हैं तो वास्तु दोष देख कर ही बनाते हैं, तोड़ फोड़ मरम्मत कराते हैं वगैरह वगैरह, इन समस्याओं का निजात पाने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं, मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आप घर में जिस जगह पर वास्तु दोष हो, आपको कहने का मतलब इस बात का पता हो, और वहाँ पर आप अगर 50 ग्राम फिटकड़ी का टुकड़ा लाकर रख देते हैं, तो फिर देखो कि वो वास्तु दोष कैसे ख़त्म होता है। जल्दी जो आपका वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाएगा अगर 50 ग्राम फिटकड़ी आप लाकर वहाँ रख देते हैं तो। परंतु इस बात का आप ध्यान रखें कि हर महीने फिटकड़ी को ज़रूर बदलें, मतलब जैसे एक महीना हो जाए उसके बाद आप फिटकड़ी बदल दें, दूसरा फिटकड़ी का जो टुकड़ा है वो रख दें। अगर आपको अपने बिजनेस में नुकसान हो रहा हो, अगर व्यवसाय जो है वो ठीक से नहीं चल रहा हो, हर काम में असफलता हासिल हो रही हो, तो अपने ऑफिस के मुख्य गेट पर काले कपड़े में फिटकड़ी बांध कर लटका दें। काला कपड़ा होता है उसमें फिटकड़ी बांध कर लटका दें, उससे भी जो वास्तु दोष है वो हट जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ कि आपके घर का जो बाथरूम है, बाथरूम जो होता है अपने घर का, बाथरूम के अंदर आप फिटकड़ी जो है अगर वो रख देते हैं एक कटोरी में, या फिर कोई भी छोटा बर्तन होता है, अगर बाथरूम में एक कटोरी में आप फिटकड़ी रख देते हैं, तो धीरे धीरे जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है और जो काफ़ी समय से आपके घर में मंगल कार्य होने चाहिए वो मंगल कार्य अगर रुके हुए हैं, तो जल्दी मंगल कार्य भी शुरू हो जाएंगे, और जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा था या नकारात्मक ऊर्जा हो रही थी, सभी की बुद्धि अलग अलग हो रही थी, वो भी धीरे 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 ठीक होने लग जाएगी। ये कहने का मतलब है कि इसका एक मुख्य उपाय है फिटकड़ी का। अब ये सारे के सारे जो दोष है वो आप फिटकड़ी से समाप्त कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि घर में अगर आप पोछा लगाते हो तो नमक के साथ लगाओ तो वो भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ में अगर फिटकड़ी का उपयोग करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों वीडियो पसंद आया होगा, और इसके अलावा अगर आप ज्योतिषाचार्य श्री श्री स्वामी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या परेशानी से निजात पाना चाहते हो, तो आप उनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हो, आप उनसे सीधी बातचीत भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके अलावा अगर आप उन्हें FB पर फॉलो करना चाहते हैं तो ओब्लिक श्री स्वामी जी के नाम से उनका वेब एड्रेस है, आप लाइक भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।